उदयपुर में आप हार्ले डेविडसन का शोरूम ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, हार्ले डेविडसन X450 लेनी है तो आपको मनामा मोटर्स आना पड़ेगा और मनामा मोटर्स आपको डीएन कॉलेज रोड में मिल जाएगी। और इनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं तो आप कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। बाइक के बारे में बता ही दिया है कौन सी आज बाइक का रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए अंदर, उदयपुर में भी आप अवेलेबल है। पहले मैं इतने दिन से सोचा था कब आएगी तो आज आ गई है, तो आप चलते हैं। और शोरूम कुछ इस तरह से है, सामने है वो, आपके सामने है टॉप मॉडल। सामने से देखिए, इसमें जो टोटल लाइटिंग सेटअप है वो पूरा एलईडी मिल रहा है आपको आगे से लेके पीछे तक। शुरुआत आगे से ही कर लेते हैं। ये वाला टॉप मॉडल है, इसमें कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आपको देता जाऊंगा, नहीं है तो अपन कहीं अगर मैं चुक हो जाए तो कोई बात नहीं, अपन भैया से बात कर लेंगे वो और बता देंगे। मैं आपको इसमें वैसे तो मेरे को जहाँ जहाँ नॉलेज है वो बताता जाऊँगा। इसमें आपको 320mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है, बाइक के कैलिपर दे रखे, और एलॉय जो है ये आपको डायमंड कट दिया गया है, ठीक है। बाकी में बेसिक से आएगा, इसमें आपको डायमंड कट, इसलिए टॉप मॉडल में अंदर आएगा, ठीक है। इसका टायर साइज आपको दे रखा है 190/18 के टायर, काफ़ी ब्रॉड टायर है ये देखिए। और इनका जो पैटर्न है वो भी आपको किसी की बाइक की याद दिला रहा होगा पुराने वाले, ठीक है। आगे का मडगार्ड आपको मेटल का दिया गया है, ये पूरे सारे मेटल, और अपसाइड फोक दे रखे हैं 43mm के। हेडलैम्प देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितना शानदार लुक दे रखा है, पूरा गोल है, पूरा रेट्रो टाइप दे रखा है। ये भी एलईडी है, ये भी एलईडी है, इसमें आपको यहाँ प्रोजेक्टर लैम्प भी दे रखे हैं, और कुछ इस तरह से आपको दे रखा है। इसको ऑन करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से, इसको खाली जगह थी उसको कवर करने के लिए कितना अच्छा सा यूँ पूरा कवर कर रखा है। यहाँ पर एक मास्क दिया गया है, तो आप इधर आ जाए, 3D में आपको हार्ले डेविडसन X450 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 13 लीटर का इसका टैंक है, और शायद तक इसमें 2.5 लीटर आपको रिजर्व में रहेगा, ठीक है। और ये जो मैट फिनिश कलर है ये टॉप मॉडल में ही आएगा, इसमें जैसे ये कुछ फिनिशिंग वगैरह दे रखी है, ये वाले मेटल ये कॉपर में दे रखे हैं, इस टाइप के जो कॉपर कलर में दे रखे हैं। और यहाँ पर आपको कैटलिटिक कन्वर्टर ये लगा हुआ है, तो इसके ऊपर गार्ड वगैरह दे रखे हैं, बहुत ही प्यारा। और हॉर्न का यहाँ दे रखा है, हॉर्न आपको इसमें दिखा देता हूँ। इंजन की बात करें तो 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड है, और ऑयल कूलिंग के लिए आपको वहाँ जगह दी गई है। 27 BHP पावर, 6000 RPM पर, और 38 Nm का टॉर्क, 4000 RPM पर, तो पावर तो बुल भरपूर दे रखी है। और ये पूरे एक क्रूजर बाइक है, यहाँ पर इसकी टॉप स्पीड रहेगी 135 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो आपको माइलेज ये दे देगी 30 से 35 के बीच, अभी वो आपके चलाने के ऊपर डिपेंड हो। और ये बाइक नहीं है, ये तो पूरा माइलेज का भी पूरा पता नहीं था, मैं इसके पूरा नहीं पता, ठीक है। और कुछ इसके फुट रैक्स वगैरह इस तरह से दे देंगे, और इसमें हाँ 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आएगा, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये फुट रेस्ट वगैरह सब प्रीमियम क्वालिटी के दे रखे हैं, हार्ले का जो पार्ट्स है वो हीरो ने बने ही है, दोनों ने मिलकर जो ये बाइक बनी है। बाकी मैं इसका एक तो आप वीडियो में देख रहे हैं, और एक यहाँ आके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ इस पर बहुत सारा वर्क हुआ है। ये देखिए शानदार चेचिस वगैरह पूरा, बहुत ही अच्छा सा वर्क, हर पार्ट्स मतलब हेवी यूज़ किया गया। और सीट देखिए कुछ इस तरह से, इसकी कुशनिंग वगैरह बहुत ही प्यारी दे रखी है, और ग्रैब रेल कुछ इसे ट्विन दे रखे हैं, इधर भी अलग है, उधर के भी अलग है, ठीक है। उसमें पीछे का आप जो शॉकर्स देख रहे हैं वो टिन शॉक एब्जॉर्ब दे रखे हैं, 7 स्टेप एडजस्टेबल है। और पीछे का जो ब्रेक दे रखा है वो 240mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है, और वही डायमंड एलॉय व्हील है। आगे से टायर पीछे का 17 इंच का है, ठीक है। मैं आगे अगर 17 बोल गया हूँ तो ध्यान नहीं, बिल्कुल 18 वहाँ पर 17-18 ही है, तो वो आगे का टायर 18 इंच का और पीछे का 17 इंच का, 140/70/17 का यहाँ पर आपको टायर दिया गया है, वो पीछे से काफ़ी ब्रॉड है ये देखिए, ठीक है, अच्छा खासा पड़ा। और जो एग्जॉस्ट दे रखा है वो यहाँ से आ रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ से होके यहाँ पर से वापस एक यहाँ आ रहा है। और पीछे का जो फुट रेस्ट है वो इस तरह से दिया गया, बहुत ही प्यारा दे रखा है। और पीछे का जो टेल लैम्प है वो देखिए आप, यह पूरा एक अलग ही आपको एक लुक दे रखा पूरा का। और यहाँ की जो आपको लाइट दे रखी है नेम प्लेट के लिए, वो भी आपको एलईडी दी गई है, साड़ी गार्ड भी आपने दे रखा है। और जो आप देखेंगे यहाँ पर गैस पेडल आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एक नीचे बाइक ऊपर है, और साइड स्टैंड कट ऑफ सिस्टम भी दिया गया है यहाँ पर आपको। यहाँ पर आपको जो है स्प्रिंग लगे हुए फोल्डेबल ही आपको मिलेंगे फुटरेस्ट, और पीछे के कुछ इस तरह से, ठीक है, बाइक की कुछ इस तरह से। अब इसकी एक शोरूम प्राइस बता देता हूँ आपको, इसकी एक शोरूम प्राइस है 2,79,500 रुपये, मतलब 2,80,000 में 500 रुपये कम। ऑन रोड प्राइस पड़ेगी उदयपुर राजस्थान में 3,42,000 रुपये। अब इसको ऑन करके दिखा देते हैं आपको, इसकी चाबी देख लीजिए, चाबी कुछ इस तरह से है। और हाँ, ये स्विचेस वगैरह की बात करना मैं भूल गया यार, देखो
नई बाइक है, नई जगह है, तो भावनाओं में पहुंच जाते हैं। तो आप भाई अब फ्रिज क्वालिटी की बात कर लेते हैं, देखो बाहर एंड कितने शानदार दिए, बड़े बड़े अपने थोड़े थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, इनके बड़े बड़े होते जा रहे हैं। और जो हैंडल ग्रिप वगैरह है ये बहुत ही अच्छी है, देखिए ये भी इस तरह से पकड़ में आ रहा है, और जो इसमें स्लीपर क्लच भी है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको देखिए स्मूथ क्लच है। और जो साइड मिरर दिए गए हैं वो गोल में ही दिए गए हैं रेट्रो फ्रिज स्टाइल में, देखो यहाँ पर भी हरले की ब्रांडिंग वगैरह दे रखी है। और आपको यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको ये मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। आप इसको करते हैं इस तरह से ऑन, तो इस तरह से आपके हरले बाइक आपको जो टॉप मॉडल है इसमें आपको स्वागत करेगा डिजिटल मीटर को, जिस तरह इसमें सारी जानकारियाँ दे रखी है। और इसकी एक कोई ऐप आती है, मैं इसकी जानकारी आपको क्या है सर से दिला देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसमें जब स्विच क्वालिटी है उसकी बात कर लेते तब उसके बाद मैं उनको बुलाता हूँ। हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच आपको यहाँ दिया गया, ये देखिए उसके सामने आपको, अगर देखो सामने कितने धूप है उसके बाद भी अगर दिख रहा हो तो ये देखिए ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से आप मीटर को सेट करेंगे, यहाँ से ये सारे यहाँ पर यहाँ से बटन होंगे, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर स्विच यहाँ दिया गया है, इसको वापस प्रेस करेंगे, हॉर्न आपको ये देखिए लाउड है काफ़ी है। इंजन किल स्विच और स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इसमें किक वगैरह नहीं आएगी, इधर देखिए बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर आपको ये हेजार्ड का यहाँ पर दिया गया है, एसओएस का बटन ये दिया गया है, एसओएस का मतलब आप समझ लो एलो इमरजेंसी, इसमें तीन नंबर वगैरह कुछ फिट कर सकते हैं, तो आप कहीं इमरजेंसी में फंस गए ये दबा दिया बटन तो आप मतलब आपको सहायता मिल जाएगी ठीक है। अब इसको करते हैं एक बार ऑन, और सबसे बड़ी बात आपको एक और बता दूँ, जो इंडिकेटर वगैरह ये दे रखे हैं सब फ्लेक्सिबल दे रखे हैं बिल्कुल, ये गिर जाएगी तो भी आपके एक बार तो कुछ खर्चा आने वाला नहीं है ठीक है। और ये जो रेडिएटर वगैरह दे रखा है ऑयल कूलिंग के लिए, यहाँ पर आपको ये एक अच्छी फिट एंड फिनिशिंग, और इसके ऊपर भी वो मेटल का जाली दे रखी है। भैया की हाइट है 5.7, और आपको इसका डायमेंशन बताता हूँ, 190 किलो की ये बाइक है, और सीट हाइट इसकी 805 mm, ओवरऑल लेंथ इसकी 2168 mm, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm। तो भैया की देख लीजिए 5.7 होने के बावजूद भी इनके पाँव आराम से टच हो रहे हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं, बगा लोगे सीडियो वीडियो गड्ढो वड्ढो में कूदा के निकाल लोगे बस, और इसको ऑन कर दो अब बैठ भी गए तो। हाँ आप सुन लेना इसका साउंड ऑन करने के बाद, ऑन के लिए क्लच वगैरह नहीं दबाना पड़ता इसमें, विदाउट क्लच ही हो जाएगा ये देखिए, और साउंड को जिस तरह से इसका सुन लीजिए, इसका लेटर लाइटिंग सेटअप भी देख लीजिए, 1000 ओम के लिए 1000 तो ये है लो बीम, हाई बीम वो सही बहुत ज़्यादा रो, और पीछे का जो लाइटिंग सेटअप है कुछ इस तरह से, और नीचे का ये देख लीजिए ठीक है। और भी कुछ जानना चाहते हैं? हाँ डिजिटल मीटर के लिए बता दें, ओके। तो हरले की एक हीरो की कंपनी की आएगी ऐप, जो एचडी कनेक्ट करके ऐप आएगी, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर वो इससे कनेक्ट हो जाएगी, वो सारा सिस्टम इसी से जो भी मीटरिंग वगैरह है यहाँ से आप कनेक्ट हो पाएंगे, तो उससे बहुत सारे फंक्शन उसमें दिख जाएंगे। उसके लिए क्या पूरी किताब लिखी जा सकती है, तो किताब बाद में लिखेंगे, अभी के लिए ठीक है। और कैसी लगी ये बाइक कमेंट करके जो बताना, और किसी भी हरले हीरो की बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मलामा मोटर्स उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।